Hello friends, myself Patel Dixita from Aswami Vidyalay, Kila Padi. And today we are discussed about standard 6 subject science unit number 7. Getting to know plants. Friends, in this unit we are discussed about different parts of plant. Then we discussed about हर्ब श्रब एंड ट्रीज डिफरेंट बिटवीन हर्ब श्रब एंड ट्रीज नाउ today वी आर डिस्कस अबाउट स्टेम what इज स्टेम हमने प्लांट के अलग अलग पार्ट के बारे में डिस्कस किया था लाइक लीफ ब्रांचेस फ्रूट फ्लावर स्टेम रूट्स ओके सो स्टेम भी प्लांट का एक पार्ट है ओके ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स होते हैं और सभी प्लांट के स्टेम अलग अलग होते हैं ओके नॉट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और पार्ट्स बन बाय स्टेम सो ये जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं वहाँ से अलग अलग स्ट्रक्चर्स निकलते हैं ओके जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक प्लांट का स्टेम है ओके सो so, स्टेम में से यहाँ से लीफ निकला है देन ब्रांच फ्रूट फ्लावर बर्ड्स ओके सो अलग अलग पार्ट जो है वो स्टेम में से बॉर्न होते हैं निकलते हैं ओके कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद द डेट योर फ्रेंड विद डेट ऑफ योर फ्रेंड व्हाट डू यू फाइंड आपने क्या फाइंड किया स्टेम बीयर लीव्स ब्रांचिस बर्ड्स फ्लावर्स एंड फ्रूट जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेम में से क्या क्या निकलता है लीव्स ब्रांचेस बर्ड्स फ्लावर्स एंड फ्रूट ओके नाउ एक्टिविटी टू यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको क्या करना है कि एक पॉट में या फिर ग्लास में वाटर लेना है एंड उसमें ब्लू और रेड कलर की इंक डाल के उसे वाटर में डिजोल्व कर देना है धैन उसे अलग अलग ग्लास में एक में ऑनली वाटर लेना है एक में जो इंक वाला वाटर है वो लेना है ओके एंड धैन उसमें दोनों ग्लास में आपको क्या करना है एक स्टेम मीन्स एक ब्रांच विथ स्टेम आपको यहाँ उसमें रखनी है ऑब्जर्व सेटअप डज द कलर अपीयर इन स्टेम

एक ग्लास जो है जिसमें वाटर ऑनली वाटर दिया है उसमें आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा बट दूसरे जो ब्रांच है तो उसमें क्या देखने मिलेगा आपको कि वो जो कलर था ग्लास में वो कलर लीफ तक पहुंच गया है सो हाउ डू यू थिंक द कलर रीच हियर वो लीव्स तक वो रेड इंक कैसे पहुंची?

वाटर लीफ तक सप्लाई करता है ओके द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्ला पार्ट अटैच टू द स्टेम ओके सो वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी है न्यूट्रिएंट्स है तो ये सारे मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स जो भी लीव्स को ग्रो होने के लिए चाहिए वो सब कहाँ से मिलता है स्टेम उसे प्रोवाइड करता है ओके सो आई होप यू अंडरस्टैंड स्टेम नाउ वी लर्न अबाउट लीफ ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ग्रोथ हेम इन योर नोटबुक. सो फ्रेंड्स आप देखोगे कि आपके आसपास जितने भी पार प्लांट है तो वो सब प्लांट्स के लीफ अलग अलग होते हैं ओके अलग अलग सेप के अलग अलग साइज़ के ओके आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज़ सेप और कलर आप देखोगे कि अलग, अलग अलग प्लांट के लीव्स जो है उसकी साइज़ सेप और कलर सेम हैं नो इट्स डिफरेंट एक ही प्लांट के लीव्स हो तो उसके भी साइज़ कलर अलग अलग होते हैं शेप ओके बट जनरली जो लीफ होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं ओके नाउ वी डिस्कस अबाउट दैट हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम लीव स्टेम से अटैच कैसे होते हैं द पार्ट ऑफ लीव बाई विच इट इज अटैच टू द स्टेम कॉल्ड पेटियोल पेशल ओके सो पेशल किसे बोलते हैं सपोज़ ये एक स्टेम है और ये स्टेम के पास यहाँ से लीफ अटैच हुआ है ओके okay? सो so, ये पार्ट को क्या बोलते हैं पेशल ओके डिफाइंड वर्ड में पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है सो so, आपको क्या लिखना है द पार्ट ऑफ लीफ बाई विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम इज़ कॉल्ड

द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना डिफाइंड वर्ड में पूछा जा सकता है एंड शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है वॉट इज लेमिना कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन प्लांट अराउंड यू डू ऑल द लीव्स हैव पेशल्स आपने अराउंड आपके अराउंड जो भी प्लांट्स है वो आपने ऑब्जर्व किए तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ऑल प्लांट जितने भी प्लांट है सबके लीव्स में पेशियल्स है नो सम प्लांट के जो लीव होते हैं उसमें पेशियल्स नहीं होते लेट्स अस गेट टू नो द लीव बेटर बाय टॉकिंग इट्स इम्प्रेशन इफ़ यू थाट डेट लिवस कैन नॉट साइन हीर इज एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है सो लेट्स वी स्टार्ट पुटर लिव अंडर वाइट शीट ऑफ पेपर और अट इन योर नोटबुक हॉल इट इन प्लेस ए शोन इन फिगर सेवन पॉइंट नाइन यहाँ पर आपने दिखा है उस तरह से आपको क्या करना है शीट एक लेनी है होल्ड यू पेंसिल टिप साइडवेज एंड ड्रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो एट आपको क्या करना है एक लीफ लेना है एंड आपकी नोटबुक का जो ये पेज होता है तो नोटबुक के पेज के नीचे आपको लीफ रखना है जैसे हम जब छोटे थे तो करते थे कि कॉइन जो वन रुपीस का कॉइन होते होता है तो उसे हम पेपर के नीचे रख के उस, उसको स्क्रैच करते थे ओके सो so, उसे क्या करते थे स्लोली ड्रप करते थे तो वो कॉइन का जो भी उसका फिगर है वो पेज पे आ जाता था ओके सो so, उसी तरह से हमें क्या करना है लीफ का एक स्केच बनाना है ओके Did you get an impression with some lines in it, जैसे कॉइन की जो इम्प्रेशन पेज पे पड़ जाती है उसी तरह से क्या आपको वो जो लीफ है उसकी लाइन पेज पे दिख रही है आर दी सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ वो जो लीफ है उसकी लाइंस और पेज पे जो लाइंस है वो सिमिलर है दीज लाइन ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेंस ओके क्या बोलते हैं उसे वेंस सो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वॉट इज वेंस लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेंस ओके डू यू सी अ प्रोम प्रोमिनेंट लाइन्स इन द मिडिल ऑफ द लीफ यहाँ पे आप देख सकते हो ये लीफ जो है उसमें एक मिडल में एक, एक प्रोमिनेंस लाइन है ओके दिस इज कॉल्ड द मीड रिब ओके उसे क्या बोलते हैं मीड रिब ये जो लाइन है सपोज इट इज लीफ ओके ये एक लीफ है और ये उसका पेशल है ओके पेशल से जो लाइन सी दी, इस तरह से आपको एक लाइन देखने को मिलेगी तो उसे क्या बोलते हैं मीड रिप क्लियर दैट द डिजाइन बाय मेड बाय इन अ लीफ इज कॉल्ड अ लीफ वेनेशन ओके लीफ वेनेशन डिफाइन द वर्ड में पूछा जा सकता है व्हाट इज लीफ वेनेशन सो ये जो मिड रीड है उसमें से अलग अलग वेंस आपको दिखने को मिलेगी इस तरह से सो so, वेंस से ये जो डिज़ाइन बनता है तो उसे क्या बोलते हैं लीफ वेनेशन इफ दिस डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिड रीप द लीव्स द वेशन इज रेटिक्यूलेट ओके सो लीफ हैव टू टाइप्स रेटिक्यूलेट एंड पैरेलल ओके जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो डिज़ाइन है वो टू टाइप्स की होती है फर्स्ट वन इज़ रेटिक्यूलेट एंड सेकेंड वन इज़ पैरेलल सो रेटिक्यूलेट में यहाँ से नेट टाइप बनता है इस तरह से नेट लाइक नेट टाइप डिज़ाइन होता है एंड पैरेलल में कैसा होता है सपोज ये एक लीफ है तो यहाँ से पैरेलल में इस तरह से आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगी मींस लाइन होती है ओके एंड यहाँ पे नेट टाइप होता है सो लीफ हैव टू टाइप्स ऑफ वेंस फर्स्ट वन इज रेटिकुलेट एंड सेकेंड वन इज़ पैरेलल क्लियर देट देन नेक्स्ट आपको क्या करना है सम प्लांट्स के लीफ लेने हैं एंड उसमें देखना है कि वो जो वेंस का जो स्ट्रक्चर है डिज़ाइन है वो किस प्लांट में पैरेलल है और किस प्लांट में रेटिकुलेट है ओके सो सम लिस्ट बनाना है आपको कि कौन कौन से प्लांट में आपको पैरेलल वेनेशन दिखने को मिलेगा एंड कौन में रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा ओके okay? एंड आपको वो टेबल का एक लिस्ट बनाना है ओके okay? So, friends, I hope you understand STEM and LIFT. In the next lecture, we'll learn about the next topic. Thank you.